ओम शांति। आज 6 तारीख दे बाबा दे साकार महावाक्य। बाबा बोले मीठे बच्चे जी बाबा, सवेरे सवेरे उठ ए चिंतन करो, मैं एनी छोटी जी आत्मा किन्ने वड़े शरीर नू चला रही हाँ। आत्मा विच अविनाशी पार्ट नूंध्या होया है। प्रश्न है, श्री बाबा नू केड़ी प्रैक्टिस है केड़ी नहीं? उत्तर, आत्मा दा ज्ञान रत्ना नाल शिंगार करन दी प्रैक्टिस श्री बाबा नू है, बाकी शरीरां दा शिंगार करन दी प्रैक्टिस उन्हां नू नहीं। बाबा कहंदे ने, मैं ता अपना शरीर ही नहीं है, मैं इन्हां दा शरीर पावे किराए ते लैंदा हां, पर इस शरीर दा शिंगार ये आत्मा आप करदी है, मैं नहीं करदा, मैं ता हमेशा अशरीरी हां। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चिया ने गीत सुनिया, किसने सुनिया? आत्मा ने सुनिया, ऐ शरीर दे कन्ना द्वारा सुनिया। बच्चिया नु भी ये पता चलता है आत्मा किन्नी छोटी है, वो आत्मा इस शरीर विच नहीं ता शरीर कोई काम दा नहीं रहिंदा। किन्नी छोटी आत्मा दे आधार ते किन्ना वड्डा ये शरीर चलता है। दुनिया विच किसे नु पता नहीं है कि आत्मा की चीज है जो इस रथ ते विराजमान हुंदी है। अकाल मूरत आत्मा दा ए तख्त है। बच्चियां नु हुन ए ज्ञान मिलदा है, किन्ना रमणीक राज वाला ज्ञान है। जद कोई एवें भेद वाली गल सुनी जांदी है ता चिंतन भी चलदा है। तुसी बच्चियां दा भी ए चिंतन चलदा है, एनी छोटी जी आत्मा एने वड्डे शरीर नु चलांदी है। आत्मा विच 84 जन्मां दा पाट नूंध्या होया है। शरीर ता विनाश हो जांदा है, बाकी आत्मा रहिंदी है। ए बड़े विचार दी गल है, सवेरे उठ के ए ख्याल करना चाहिदा है। बच्चियां नू स्मृति आई है, आत्मा किन्नी छोटी है, उन्हां नू अविनाशी पाट मिलिया होया है। मैं आत्मा किन्नी वंडरफुल हां, ए नवा ज्ञान है जो दुनिया विच किसे नू भी नहीं है। बाप ही आके दसदे ने, सो सिमरन करना हुंदा है। असी किन्नी छोटी आत्मावां किवें पाठ वजांदियां हां। शरीर 5 तत्तां दा बंदा है, बाबा नू थोड़ी पता बसदा है श्री बाबा दी आत्मा किवें आंदी जांदी है। एवें नहीं, हमेशा एना विच ही रहिंदी है, ता एही चिंतन करना है। तुसी बच्चियां नू बाप अजेहा ज्ञान देंदे ने जो कदे किसे नू मिल ना सके। तुसी जानदे हो बरोबर ए ज्ञान एना दी आत्मा विच नहीं सी। होर सत्संगा विच एवें एवें दिया गल्लां ते कोई दा ख्याल नहीं चलदा। आत्मा ते परमात्मा दा रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु संन्यासी आदि ए थोड़ी समझदे ने कि असी आत्मा शरीर द्वारा एना नू मंत्र दिंदियां हां। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुख मात्र आत्म अभिमानी नहीं ने। आत्मा दा ज्ञान किसे नू है नहीं, फिर बाप दा ज्ञान किवें होवेगा? तुसी बच्चे जानदे हो, तुसी आत्मावां नू ही बाप कहंदे ने। मिठे मिठे बच्चियो, तुसी किन्ना समझदार बन रहे हो। अजेहा कोई मनुख नहीं जो समझे ऐ शरीर विच जो आत्मा है उन्हां नू परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाउंदे ने। किन्निया समझन दिया गल्लां ने, पर फिर भी तंदे आदि विच जान नाल भुल जांदे ने। पहले ता बाप आत्मा दा ज्ञान देंदे ने जो किसे भी मनुख मात्र विच नहीं है। गायन भी है, आत्मावां परमात्मा वख रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुसी बच्चे जानदे हो, आत्मा ही बोलदी है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा चंगे ते बुरे कर्म करदी है। बाप आके आत्मावां नू किन्ना गुलगुल बनांदे ने। पहले पहले ता बाप कहंदे ने, सवेरे सवेरे उठ के ए प्रैक्टिस करो, ख्याल करो आत्मा की है जो ए शरीर द्वारा सुनदी है। आत्मा दा बाप परमपिता परमात्मा है, जिसनु पतित पावन ज्ञान दा सागर कहंदे ने। फिर किसे मनुख नु सुख दा सागर शांति दा सागर किवें कह सकदे हां? कि लक्ष्मी नारायण नु कहांगे हमेशा पवित्रता दे सागर ने? नहीं, एक बाप ही हमेशा पवित्रता दा
सागर है। मनुखता सिर्फ भक्ति मार्ग दे शास्त्रां दा बैठ वर्णन करदे रहंदे ने, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, एवें नहीं समझदे। असी आत्मा इस शरीर नाल बाप दी महिमा करदे हां। ओ साडा बहुत मिठा बाबा है, ओ ही सुख देन वाला है। बाप कहंदे ने, हे आत्माओ हुण मेरी मत ते चलो। ए अविनाशी आत्मा नू अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलदी है, ओ विनाशी शरीर धारियां नू ही मत मिलदी है। सतयुग विच तां तुसी एथो दी प्रलब्ध पांदे हो, उत्थे कदे उल्टी मत नहीं मिलदी। हुण ही श्रीमत अविनाशी बन जांदी है, जो अद्धा कलप चलदी है। ए नवां ज्ञान है, किन्नी बुद्धि चाहिदी है इस नू ग्रहण करन दी, ते एक्ट विच आउणा चाहिदा है। जिन्हां ने शुरू तो बहुत भक्ति कीती होएगी, ओही चंगी तरह धारण कर सकंगे। ए समझना चाहिदा है, जे साडी बुद्धि विच ठीक तरह धारण नहीं हुंदा तां जरूर शुरू तो असी भक्ति नहीं कीती है। बाप कहंदे ने, कुछ भी नहीं समझते हो तां बाप तो पुछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सज्जन। ओना नू सुप्रीम सोल भी कहा जांदा है। आत्मा पवित्र बनती है तां उसकी महिमा हुंदी है, आत्मा दी महिमा है तां शरीर दी भी महिमा हुंदी है। आत्मा तमो प्रधान है तां शरीर दी कोई महिमा नहीं हुंदी। इस समय तुसी बच्चियां नू बहुत गहरी बुद्धि मिलती है, आत्मा नू ही मिलती है। तां आत्मा नू किन्ना मिठा बनना चाहिदा है, सब नू सुख देना चाहिदा है। बाबा किन्ना मिठा है, आत्मावां नू भी बहुत मिठा बनाउंदे ने। आत्मा कोई भी अकर्तव्य काम ना करे, ए प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है, मेरे तो कोई अकर्तव्य ता नहीं हुंदा। श्री बाबा कदे अकर्तव्य नहीं करनगे। ओ आंदे ने उत्तम तो उत्तम कल्याणकारी काम करन दे लई, सब नू सदगति दिंदे ने। ता जो बाप कर्तव्य करदे ने, बच्चियां नू भी एवें कर्तव्य करना चाहिदा है। ए भी समझा जांदा है, जिन्हां ने शुरू तो लेके बहुत भक्ति कीती है, उन्हां दी बुद्धि विच ए ज्ञान ठहरेगा। हुण भी देवतावां दे भगत देर ने अपना सिर देण दे लई भी तैयार रहंदे ने। बहुत भक्ति करन वालियां दे पिछे घट भक्ति करन वाले लटकदे रहंदे ने, उन्हां दी महिमा गांदे रहंदे ने। उन्हां दा तां स्थूल विच सब कुछ वेखने चाहता है। एथे तुसी हो गुप्त, तुहाडी बुद्धि विच सृष्टि दे आदि मध्य अंत दा सारा ज्ञान है। ए भी बच्चियां नू पता है, बाप सानू पढ़ाउण आए ने, हुण फिर असी अपने घर जावांगे। जिथे सब आत्मावां आंदियां ने ओ साडा घर है, उथे शरीर नहीं आवाज किवें होवे। आत्मा दे बिना शरीर जड़ बन जांदा है। मनुखां दा शरीर विच किन्ना मोह रहिंदा है, आत्मा शरीर तो निकल गई, बाकी पांच तत उन्हां ते किन्ना लव रहिंदा है। इस्त्री पति दी चिता ते चढ़न विच तैयार हो जांदी है, किन्ना मोह हुंदा है शरीर विच। हुण तुसी समझदे हो नष्टो मोहा होना है। सारी दुनिया तो ए शरीर ता खत्म होने ने, उन्हां तो मोह निकल जाना चाहिदा है, पर बहुत मोह रहिंदा है। ब्राह्मणा नू खिलांदे ने, याद करदे ने ना, फलाने दा श्राद है, हुन ओ थोड़ी ना आके खा सकदे ने। तुसी बच्चियां नू तां हुन एना गल्लां तो वक्ख हो जाना चाहिदा है। ड्रामा विच हर एक अपना पार्ट हो जांदा है। इस समय तुहानू ज्ञान है, सानू नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा दी कहानी है ना, होर कोई मोहजीत राजा हुंदा नहीं। ए तां कथावां बहुत बनाईयां हन, उथे अकाल्य मृत्यु होंदी नहीं, पुछन दी भी गल नहीं रहंदी। इस समय तुहानू मोहजीत बनाउंदे ने। स्वर्ग विच मोहजीत राजे सी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, एवें सी। ओ है ही नष्टो मोहा दी राजधानी। रावण राज विच मोह हुंदा है, उथे तां विकार हुंदे नहीं, रावण राज ही नहीं, रावण दी राजाई चली जांदी है। राम राज विच की हुंदा है कुछ भी पता नहीं, सिवाए बाप दे होर कोई ए गल्लां दस ना सकन। बाप इस शरीर विच हुंदे भी देही अभिमानी ने
लोन जा किराए ते मकान लेंदे ने उस विच भी मोह रहिंदा है। मकान नू चंगी तरह फिनिशिंग करदे ने, एना ने ता फिनिशिंग करना नहीं है क्योंकि बाप ता अशरीरी है ना। एना नू कोई भी शिंगार आदि करन दी प्रैक्टिस नहीं है। एना नू ता अविनाशी ज्ञान रत्ना नाल बच्चियां नू शिंगारन दी ही प्रैक्टिस है। सृष्टि दे आदमद अंत दा राज समझांदे ने, शरीर ता अपवित्र ही है। एना नू जद दूजा नवा शरीर मिलेगा ता पवित्र होंगे। इस समय ता पुरानी दुनिया है, एक खत्म हो जानी है। ए भी दुनिया विच किसे नू पता नहीं, होली होली पता पवेगा नवी दुनिया दी स्थापना। पुरानी दुनिया दा विनाश ए ता बाप दा ही काम है। बाप आके ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच के नवी दुनिया दी स्थापना कर रहे ने। तुसी की नवी दुनिया विच हो? नहीं, नवी दुनिया दी ता हुन स्थापना हुंदी है। ता ही ब्राह्मणा दी चोटी उच्ची विखाई है। बाबा ने समझाया, बाबा दे सन्मुख आंदे हो ता पहले ए याद करना है, असी ईश्वर बाप दे सन्मुख जांदे हां। शिव बाबा ता निराकार है, ओना दे सन्मुख असी किवें जाइए? तो उस बाप नू याद कर फिर बाप दे सन्मुख आना है। तुसी जानदे हो ओ एना विच बैठा होया है, ए शरीर ता पतित है। शिव बाबा दी याद विच ना रहन नाल कोई काम करदे हो ता पाप लग जांदा है। असी शिव बाबा दे कोल जांदे हां, फिर दूजे जन्म विच दूजे संबंधी होंगे, ओथे देवतावां दी गोद विच जावांगे। ए ईश्वरीय गोद एक बार ही मिलती है। मुख तो कहंदे ने, बाबा असी ता तुहाडे हो चुके हां, बहुत हन जिन्हां ने कदे वेख्या भी नहीं। बार विच रहंदे ने, लिखदे ने, शिव बाबा असी तुहाडी गोद दे बच्चे हो चुके हां। बुद्धि विच ज्ञान है, आत्मा कहंदी है असी शिव बाबा दे बन चुके हां। एना दे पहले असी पतित दी गोद विच सी, भविख विच पवित्र देवता दी गोद विच जावांगे। ए जन्म दुर्लभ है हीरे वर्गा। तुसी एथे संगम युग ते बंदे हो। संगम युग कोई ओ पानी दे सागर ते नदियां नू नहीं कहा जांदा। रात दिन दा फर्क है। ब्रह्मपुत्रा वड्डी तो वड्डी नदी है जो सागर विच निकलदी है। नदियां जाके सागर विच पैंदियां ने। तुसी भी सागर तो निकलियां होईयां ज्ञान नदियां हो। ज्ञान सागर शिव बाबा ने, वड्डी ते वड्डी नदी है ब्रह्मपुत्रा। एना दा नाम ब्रह्मा है। सागर नाल एना दा किन्ना मेल है तुहानू पता है। नदियां कित्थों निकलदियां ने? सागर तो निकलदियां है, सागर विच जा समौंदियां ने। सागर तो मिठा पानी खिंचदे ने। सागर दे बच्चे फिर सागर विच जाके मिलदे ने। तुसी भी ज्ञान सागर तो निकले हो, फिर सब ओथे चले जाओगे जिथे ओ रहंदे ने। ओथे तुसी आत्मावां भी रहंदियां हो। ज्ञान सागर आके तुहानू पवित्र मिठा बनाउंदे ने। आत्मा जो खारी बन गई है उन्हां नू मिठा बनाउंदे ने। पंज विकारा रूपी छी छी नमकीन तुहाडे विचों निकल जांदी है ता तुसी तमो प्रधान तो सतो प्रधान बन जांदे हो। बाप पुरुषार्थ बोध करांदे ने। तुसी किन्ने सतो प्रधान सी, स्वर्ग विच रहंदे सी, तुसी बिल्कुल छी छी बन गए हो। रावण ने तुहानू की बनाया है? भारत विच ही गाया जांदा है, हीरे वर्गा जन्म अमोलक। बाबा कहंदे ने, तुसी कोड़ियां दे पिछे क्यों हैरान होंदे हो? कोड़ियां भी जाती थोड़ी चाहीदियां ने। गरीब ता चट समझ जांदे ने, साहूकार ता कहंदे ने साडे लई ता एथे ही स्वर्ग है। तुसी बच्चे जानदे हो जो भी मनुख मात्र ने सब दा एस वक्त कोड़ी वर्गा जन्म है। असी भी एवें दे सी, हुण बाबा सानू की बणाउंदे ने? एम ऑब्जेक्ट ता है ना, असी नर तो नारायण बनदे हां। भारत हुण कोड़ी वर्गा कंगाल है ना। भारतवासी आप थोड़ी जानदे ने, एथे तुसी किन्निया साधारण अबलामा हो। कोई वड्डा आदमी होवेगा उसनू एथे बैठन दी दिल नहीं होवेगी। जिथे वड्डे वड्डे आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे ओथो दियां वड्डियां वड्डियां सभावां विच जानगे। बाप भी कहंदे ने, मैं ता गरीब निवास हां,
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਦਮ ਪਦਮਾ ਪਦਮ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਕਲਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਧਨ ਲੋ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਗਫਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾ ਕੇ ਬਣੋਗੇ। ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਪ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖੋ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖਸਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਬਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਰਤਵਯ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ। ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ। ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲ, ਵਿਅਰਥ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਰਨਾ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਭਵ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣੋ। ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਇੱਕ ਰਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਓ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਜਗਾਓ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਜਗਾਓ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।